भाई मेरे, ये सवाल अच्छे से अच्छे लोगों को पोल खोल देगा कि वो व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इतने नहीं, अगर आपको अपने प्यार पे शक हो रहा है तो फ्रेंड ये सवाल पूछ के देखिए, आपके सामने साफ साफ साबित हो जाएगा कि वो आपका पार्टनर जो है आपसे कितना ज़्यादा हद तक प्यार करता है। क्योंकि देखो फ्रेंड, ये जो पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, फिर कहा जाए जो ये सवाल बताने वाला हूँ आपको, ये सवाल आपको उसके सामने पूछना है। ऐसा नहीं है भाई मेरे कि अगर आपने फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, उसके बाद पूछो। नहीं भाई, ये सवाल आप जब पूछना, जब उसका मूड अच्छा हो, जब आप एक दूसरे के साथ हो और आपको लगे कि ये सवाल पूछना चाहिए। भाई मेरे देखो, ये सवाल मैं इसलिए बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो यार, बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जो कहते हैं अपने पार्टनर को कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहा हूँ। अब भाई वो रियली में कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं आपको, ये तो भाई उसी को पता होगा ना जिसने आपसे प्यार किया है। बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चल रहा होता है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं क्या वाकई में वो भी हमें प्यार कर रहा है, क्या वाकई में हमें वही रिस्पेक्ट दे रहा है जितना हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो भाई मेरे, ये सवाल ना बहुत ही लोगों के माइंड में चलने लग गया है। इतना ही नहीं, बहुत से लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर, अगर अपने हम सच्चे पार्टनर को पता लगाना चाहे, सच्चा प्यार पता लगाना चाहे, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पता चल जाए। क्योंकि सर आपने साइन बताए, कुछ नहीं टिप बताए, कुछ मैच हुए, कुछ मैच नहीं हुए, पर अगर मैं उसके मुंह से उगल बात देखूँ, ऐसा कोई सवाल है तो बताओ। हाँ फ्रेंड, ऐसा कोई सवाल है, बस आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। जो मैं आपको समझाऊंगा उसी फीलिंग के साथ आपको उसको पूछना भी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, नंबर वन पॉइंट में आता है, डू यू लव मी, मतलब कि तुम मुझे प्यार करती हो। आपका सामने वाला आंसर करेगा कि हाँ, तो आपको पूछना है वाई या फिर क्यों करती हो, तो वो आपको सामने वाला जवाब भी दे सकता है कि क्यों प्यार करता है। अब देखो भाई मेरे, अब कुछ बंदे को समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, उनको लगाओ कि भाई मैं तो अक्सर अपनी बंदी से पूछता हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो बाबू, तो कहती है हाँ मैं करती हूँ। तो फ्रेंड देखो, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँ जिसको आपको सही तरीके से पूछना है तो ऑटोमेटिक उगल देगी क्यों प्यार कर रही है आपसे। आपको ये पूछना है, उसके बाद वो अगर आपको बताती है कि मैं इसलिए आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आप स्मार्ट हो, या फिर आप इंटेलिजेंट हो ज़्यादा, या फिर आपका माइंड बहुत तेज़ भागता है, तो अब एक बात बताओ मेरे को, आज आपका स्मार्टनेस आपके साथ है तो वो लड़की आपके पास है, कल को अगर वो स्मार्टनेस चली जाती है तो क्या वो आपके पास रहना चाहेगी? बहुत लोग आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई यार ये कैसा क्वेश्चन तूने बोल दिया। नहीं, बहुत से क्वेश्चन तो आपको ये भी आएगा कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप मुझसे बात जिस तरह करते हो ना, तो शायद ही कोई मेरे साथ बात करता होगा, इसलिए मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो एक बात बताओ, हमेशा एक जैसा दिन तो नहीं रहता ना भाई मेरे। अब अगर आगे चल के आपको थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो भाई हालात बदलते रहते हैं, एक हालात एक लोगों के साथ साथ कभी नहीं चल सकता है, तो क्या वो आपसे प्यार करना छोड़ देगी? और भाई जहाँ तक ये बात रही ना ये देखने की कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, तो एक बात बताओ, ताजमहल किसको अच्छा नहीं लगता यार, तो क्या उसको वो घर ले आता है, क्या वो उससे प्यार कर लेता है? तो फ्रेंड ये चीज़ कोई कॉमन नहीं होता, अगर कोई आपको बोलता है कि आप मुझे अच्छे लगते हो इसलिए मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, तो ये खुलकर बात समझ में नहीं आती किसी को भी। पर अगर कोई ये आपको बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं आपको क्यों इतना प्यार करती हूँ, बस करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें देखे बिना बेचैन से हो जाती हूँ, पर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो ये क्वेश्चन साफ साफ जाहिर कर देगा कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा श्योर कर देगा ना कि आपकी पार्टनर आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जितना आपने एक्सेप्ट तक नहीं कर रखा होगा। क्वेश्चन बहुत ही डीपली है फ्रेंड, इसकी गहराई तक मैं आपको जाना है, और बातें को जो मैं आपको समझाऊं उस बातों की मेंटेंस को पकड़ना है आपको कि भाई बंदे ने क्या बात हमें बोली है। आपको उसको ये बोलना है कि बाय चांस हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आगे चल के अगर मिल ना सके हम, या फिर हम दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाए, या फिर हम दोनों के पेरेंट्स कभी माने ना हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो तुम क्या करना चाहोगे? अब भाई लड़की आपको बहुत सारे सवाल जिगर जवाब दे सकती है कि नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझसे दूर रहो, या तो फिर वो आपको कहेगी कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ तो कभी जा ही नहीं सकती, जो खतरनाक होगी तो वो ये बोलेगी ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। देखो भाई यहाँ पे आपके चार सवाल रखे गए, अब चारों को आपको समझना है अपने हिसाब से। हल्के में लेने वाली लड़की आपको दो बताएगी, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये दो पॉइंट बताएगी, जो आपको थोड़ा बहुत प्यार करती है जो सीरियस लेती है आपको बीच वाला बताएगी, एंड इतना ही नहीं, जो फ्रेंड आपको लेकर सीरियस होगी ना वो ये बताएगी कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब दूंगी का क्या मतलब है फ्रेंड, यहाँ आपको ये समझा रही है वो कि मैं आपको कभी छोड़ कर नहीं जाने वाली, भले आप मुझे छोड़ दोगे, हमारे बीच चाहे जो भी आए ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तो फ्रेंड ये सेंटेंस आपको समझाता है कि वो आपसे कितना ज़्यादा सच्चा प्यार कर रही है। देन फ्रेंड ये तो दो ही क्वेश्चन है, अगर आप बोलना चाहो तो मैं और क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्योंकि देखो भाई मेरे वीडियो ज़्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से बंदे कहते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर आपको स्किप भी करना पड़ जाता है, नेट स्लो चलता है, फिर बहुत से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ठोको ना यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भाई, जिसके साथ अपने लॉयल्टी टेस्ट करवाना हो। इतना नहीं फ्रेंड, हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करिए। भाई हिम्मत हो ना तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि देखो भाई इससे किसी का प्यार बच भी सकता है और किसी का प्यार टूट भी सकता है, तो हिम्मत हो तो शेयर करना। चलो फ्रेंड आपसे मिलेंगे अगली बार प्यार इसी वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।